केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय का चुनावी बिगुल बज चुका है और आपको ये भी बता दें कि एक हफ्ते में जो चुनाव है वो कब होना है इसकी भी घोषणा हो जाएगी और इसी के साथ सभी प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में पूरे जोश के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। तो इसी संदर्भ में हमारी केलांचल टाइम्स की टीम रांची के वार्ड नंबर 14 पहुंची, जहां के भावी पार्षद प्रत्याशी रूपा रानी है। उनसे हमारी टीम ने बातचीत की और जाना कि जो चुनाव लड़ रही हैं इसके पीछे का मकसद क्या है और वो अपने चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीत जाती हैं तो क्या क्या कार्य करवाएंगी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ सरिता कुमारी। आज हम पहुँचे हैं वार्ड 14 में। आइए हम बात करते हैं दिनेश राम जी से, जो पूर्व पार्षद हैं और उनकी वाइफ अभी भावी पार्षद प्रत्याशी है। सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या क्या होगा इस? हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा विकास और हर गरीब को लाभ देने का। जो आपका पुराना कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है सर? पुराना कार्यकाल अच्छा भी रहा, बहुत यानी कि कोरोना काल के चलते इसमें जो हम लोग का काम का जो कमी था वो ज़्यादा नहीं हो पाया। जो लास्ट का जो 2-3 साल हुआ उसमें हम लोग ज़्यादा काम कर पाए। आप क्या क्या कार्य किए हैं और अभी क्या क्या कार्य बाकी है जो आप करना चाहते हैं? अभी जहाँ देखिएगा हम लोग का रोड नली अभी काम बन रहा है, अभी बहुत कंप्लीट भी हो चुका है और जो काम पेंडिंग है वो जो नेक्स्ट जो हम लोग जीत के आएंगे उसमें हम लोग करेंगे उसका। सर, आप 5 चुनावी मुद्दा का बताइए जो आप आके करना चाहते हैं। पहला तो है जो काम छूटा हुआ है उसको पूरा कंप्लीट करना। दूसरा है कि गरीब जो गरीब है जिसका मकान उकान नहीं हुआ है उसको मकान को हम लोग का है कि उसको बनाने का। फिर तीसरा है कि रोड नली जो छूट गया है उसको करना है। हर घर में नल जल जो है उसको हम लोग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको पहला प्राथमिकता देना है। और आप कितने आवास योजना अभी तक बनवा चुके हैं? मेरा कार्यकाल में वही आपका 100 से 150 का लगभग होगा। उसमें किसी का पेपर का कमी था, उसमें किसी का पेंडिंग है, किसी का आपका आर्थिक स्थिति चलते लोग बहुत कोई काम नहीं कर पाए हैं। उस सबको हम लोग बोले कि कीजिए नहीं तो फिर आपका फंड वापस चल जाएगा। आप अभी तक कितना वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड बनवा चुके हैं अपने वार्ड में? राशन कार्ड का तो हम लोग का डेटा नहीं है, लेकिन आपका पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग का मोटा मोटी हमको लगता है कि 800 से 1000 का हम लोग बना चुके हैं। अभी बहुत कोई अप्लाई किए हैं, वो जो बना नहीं है वो बन के आएगा, फिर उसका पूरा आपको हम डिटेल देते हैं। आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की समस्या है जो आप चुनाव जीत के आप सबसे पहले वो कार्य करना चाहेंगे? सबसे दिक्कत है आपका समस्या है सफाई का, जो कचरा उचरा है सो उसका कचरा देखिए कि जहाँ पर था कोई भी जमा रहता उसको हम लोग सबसे मुद्दा है कि उसको कैसे उसका जगह हम लोग अस्थायी रूप से एक जगह किया जाए जिससे कचरा कम हो जाए। और पानी का व्यवस्था कैसा है यहाँ पे अभी? पानी का व्यवस्था आप देखिए, अपना हम लोग का जो फंड था उसमें हम अपना मिनी HYTT 18 से 20 से लगभग हम लगा चुके हैं पूरा वार्ड में। रोड जो फेबर ब्लॉक है, फेबर ब्लॉक हम लोग रोड का साइड में अभी लग गया है, बहुत जगह लग रहा है अभी, जिसे आपका लोअर चुटिया में हो गया, ऊपर चुटिया में लगने वाला है, फिर आपका मिडिल चुटिया है उसमें आधा साइड लग गया है, आधा अभी काम बाकी है। PCC आपका स्कूल लोअर चुटिया स्कूल कोचा में RCC नली का निर्माण हो चुका है और PCC पथ का भी निर्माण हो चुका है। महादेव मंडा में आपका काली मंदिर से लेकर आपका हरिया टोली तक PCC निर्माण हो गया है। फिर आपका PCC निर्माण आपका मकचून टोली से अमर चौक तक का होने वाला है, जो जल्द अब होने वाला है। आयुष्मान योजना का जो लाभ बहुत जगह लाभ मिलने लाभ उन लोग का पहुँच गया है, बहुत का अभी हम लोग उसका पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा वार्ड में आपका बनस तालाब है, सुंदरीकरण हो चुका है और इधर आपका हड़िया तालाब में है, अब उसका भी हम लोग सोच रहे हैं कि सुंदरीकरण करवाया। 5 मुद्दा मेरा वही रहेगा कि
जो गरीब को घर नहीं है उसको घर देने का प्रयास करेंगे, और दूसरा जहाँ लाइट रोड का समस्या है उसको दूर करेंगे, उसका प्रयास करके, और तीसरा हो गया कि हर घर में जल, जो गर्मी के मौसम में बहुत ही दिक्कत होता है, उसको हर घर में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चौथा हो गया आपका ये जो पेंशन हुआ, जो भी जो अप्लाई नहीं किए हैं, जो बुजुर्ग हुए, विधवा हुए, वृद्धा, ये विकलांग, उन लोगों को देने का प्रयास करवाएंगे। अब पांचवा हो गया आपका जो सफाई व्यवस्था है उसको और अधिक से अधिक अच्छा करने का प्रयास करें। अपना जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि एक मौका दिए हैं और एक मौका दीजिए, विकास करें, किए हैं विकास करेंगे, मेहनत और प्रयास करेंगे। नगर निगम रहेगा या नगर निगम? नगर निगम रहेगा, हम लोग पार्षद रहेंगे तो नगर निगम हमेशा रहेगा। तो आप ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।